ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सालाना 1,11,000 से अधिक ओपीडी वाले ज्वालाजी अस्पताल के अंदर ही अब मरीजों को जल्द ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसे लेकर ज्वालाजी अस्पताल में जल्द ही एसआर लैब स्थापित होगी, जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रस्ताव पारित कर विभाग को भेज दिया गया है। सालाना 1,11,000 से अधिक ओपीडी वाले ज्वालाजी अस्पताल के अंदर ही अब मरीजों को जल्द ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसे लेकर ज्वालाजी अस्पताल में जल्द ही एसआर लैब स्थापित होगी, जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रस्ताव पारित कर विभाग को भेज दिया गया है। ज्वालाजी के विश्राम गृह में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय भाजपा विधायक रमेश धवाला ने की। एसडीएम ज्वालाजी अंकुश शर्मा सहित अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर सतेंद्र वर्मा, डॉक्टर पवन भी इस दौरान मौजूद रहे। अस्पताल में मरीजों को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसे लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उन कामों को अमली जामा पहनाने के लिए लगभग 22 लाख रुपए का बजट इस बैठक में पास किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अस्पताल में सिविल सप्लाई की दुकान खोली जाएगी, ताकि मरीजों को 24 घंटे दवाइयां अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध हो सके। इसके अलावा अस्पताल में गार्ड की नियुक्ति जल्द ही की जाए, जिसे लेकर बजट का प्रावधान किया गया। बैठक के दौरान अस्पताल के बाहर लगी हाई मास्ट लाइट बंद रहने के कारण अस्पताल रात को अंधेरे में डूबा रहता है, इसका मुद्दा भी खूब गर्माया। इसे लेकर बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक हाई मास्ट लाइट ठीक नहीं होती, तब तक यहां अस्थायी रूप से अस्पताल के इर्द गिर्द लगभग 4 सोलर लाइट लगाई जाएंगी, ताकि यहां उजाला रहे और मरीजों व उनके साथ आए तमीरदारों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बैठक में वाटर कूलर सहित मरीजों के बैठने के लिए बेंच, उनके टाइम पास के लिए हॉल में एलईडी लगवाने सहित अस्पताल में लाइट जाने के दौरान जनरेटर की सुविधा का प्रावधान बजट में किया गया। इसके साथ ही मरीज ठंड में ना ठिठुरे, इसके लिए यहां हीटर की व्यवस्था की जाए, इसका भी प्रावधान बजट में किया गया। ज्वालाजी अस्पताल में दाखिल होने के दौरान यहां गेट लगवाने सहित अस्पताल के अंदर खराब पड़े पंखों को ठीक करवाने व अस्पताल में एक और अन्य 108 एम्बुलेंस वाहन सहित कार शेड बनाने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया। 100 बिस्तर वाले ज्वालाजी अस्पताल में मात्र 40 बेड लगे हैं। जहां तक सुविधाओं की बात की जाए तो अस्पताल के अंदर बनी प्रयोगशाला में पानी तक नहीं है। जुगाड़ कर टेबलों के ऊपर रोगियों के टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में बिल्डिंग की हालत खस्ता है। इसे लेकर भी बैठक में एक बजट पास किया गया और सारे कामों को अमली जामा पहनाने की बात स्थानीय प्रशासन व अन्य अधिकारियों से की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आज हमारे सिविल हॉस्पिटल ज्वालाजी की आरकेएस की मीटिंग माननीय वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड हिमाचल श्री ज्वालाजी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारा जो 22 लाख का हमने जो बजट पास किया, इसमें ज्वालाजी ने ये स्ट्रेस किया और जो एसडीएम साहब से उन्होंने ये स्ट्रेस किया पेशेंट की भलाई के लिए। उन्होंने काफ़ी नए जो हमने प्रपोजल रखे थे उन्होंने सारे मान लिए हैं और ये भी कहा है कि इसमें पेशेंटों के बीच में कर्मचारी आए थे उसकी वो कमी पाई गई, इसके लिए हम 2 सफाई कर्मचारी एज पर रूल जो आरकेएस हैं उसके तहत रखने जा रहे हैं। इसकी हाउस ने अप्रूवल दे दी है। बाकी जो एक बाउंड्री वाल के लिए हमारी सबसे पहले मांग थी वो भी हाउस ने मान ली है और हाउस ने ये स्टेस किया है कि जो भी एमरजेंसी में जो पेशेंट आए उसके लिए जितना भी सामान है, चाहे छोटा है सो सारा भी, उसके लिए भी हमने बजट का प्रावधान किया है। सर सरकार की एक इन्हें आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी जो हिम केयर कार्ड बने थे लोगों को बाद में लगा पता जो पात्र थे उनके नहीं बने हैं। मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ये 1 जनवरी से 31 मार्च तक हिम केयर के कार्ड दोबारा बन रहे हैं। ये जो इम्प्लाई हैं उनको छोड़ के सब के बन जाते हैं। जो बीपीएल है उनको तो फ्री बनते हैं, बाकी जो और बढ़ जाते हैं जो उनके लिए 365 फ्री में लगता है एक साल का।